काइजो नंबर 8 सीजन फर्स्ट एपिसोड 9, तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम होशिना को देखते हैं जो कि काइजो नंबर 8 के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है और साथ ही वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसने फाइट करी थी तो वो बिल्कुल एक ह्यूमन ही लग रहा था उसे। और साथ ही वो सोच रहा होता है काइजो नंबर 9 के बारे में भी जो कि एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और फिर वो कहने लगता है कि अब ये काइजो उसको हो क्या रहा है। और उसके अगले सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि वहाँ पर छत पर होता है और वो वहाँ पर जा रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब उसे आगे चलकर होशिना को निराश नहीं करना है और उसे अब आराम करना चाहिए क्योंकि वो भी जरूरी है। पर तभी वो देखता है कि आसमान में से कुछ मीटियर टाइप चीज आ रही होती है और वो वही काइजूज होते हैं जो कि हमें लास्ट एपिसोड में दिखाए गए थे। और जो ये हमला हुआ होता है ये सिर्फ उस बेस के ऊपर ही हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं होती। जिसके बाद हम होशिना को देखते हैं जो कि वहाँ पर कंट्रोल रूम में कॉन्ट्रैक्ट कर बताता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि हवा से हमला किया गया है हमारे बेस के ऊपर। और जिसके बाद फिर हम होशिना को देखते हैं जो कि वहाँ पर सभी को ऑर्डर देता है क्योंकि वहाँ पर कैप्टन आशिना नहीं होती और तो इसकी वजह से जो मेन इंचार्ज होता है वो वहाँ पर होशिना ही होता है और वो सभी को ऑर्डर दे रहा होता है, जिसके वजह से जितने भी ऑफ ड्यूटी ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और साथ ही सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जहाँ पर होशिना कह रहा होता है कि हमें सिटी में से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो इन्होंने जानबूझकर लगता है इस बेस पर ही हमला कर रहा है हमारे। और दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं जो कि समझ जाता है ये विवन टाइप के काइजूज हैं, यानी ड्रैगन टाइप के काइजूज। जिसके बाद जो फिर काफका रहता है वो सोचता है उसे जल्दी कुछ करना होगा और फिर वो वहाँ से जैसे जाने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक बात क्लिक करती है और फिर वो होशिना से कॉन्टैक्ट करता है और साथ ही उससे बताता है कि पूरी साल में लगभग एक दर्जन ही जो ड्रैगन टाइप के काइजूज हैं वो हमला करते हैं और वो हमेशा अकेले आते हैं, पर इस बार ये ग्रुप में आए हैं। जहाँ पर होशिना कहता है कि हाँ इसका मतलब है कि इनसे भी कोई ताकतवर इनके बीच है। और इतनी चीज को बोलता हुआ उनमें से जो सबसे पावरफुल काइजू होता है वो वहाँ पर आ जाता है जो कि काफी इंटेलिजेंट होता है, उसके माइंड में उसके गोल और एम है। और वो आते साथ ही वहाँ पर होशिना से पूछने लगता है कि क्या तुम इस बेस के सबसे पावरफुल ह्यूमन हो, जहाँ पर बाकी सब शॉक हो जाते हैं उसे देखकर कि वो बोल सकता है। जिसके बाद जो होशिना रहता है वो कहने लगता है देखा जाए तो कैप्टन यहाँ नहीं है। जिसके बाद काइजू कहने लगता है तो इसका मतलब यही है कि तुम ही शिकार बनोगे मेरा। जहाँ पर उस काइजू की एनालिसिस पूरी हो जाती है और वो एक डाई टाइप का काइजू होता है जिसका फोल्टीट्यूड 8.7 होता है। जहाँ पर फिर जो होशिना रहता है वो सबको ऑर्डर देता है कि वो बाकी सारे यूजर्स को संभाल लिए। फिर वो जो काइजू रहता है वो होशिना के ऊपर अटैक करता है पर होशिना उसे आसानी से डोज कर लेता है वहाँ पर। और साथ ही वो काइजो उसके सामने आ जाता है और साथ ही उससे कहता है कि तुम मेरे पहले अटैक से बच गए, इसका मतलब तुम टेस्ट में पास हो गए हो। और जिसके बाद फिर जो होशिना रहता है वो कहने लगता है कि इस काइजो को वो संभालेगा। जिसके बाद फिर हम उस काइजो को देखते हैं जो कि वहाँ पर चीखने लगता है और बाकी जितने भी ड्रैगन टाइप के काइजोज होते हैं वो भी उसे देख कर वहाँ पर चीखने लगते हैं। जहाँ पर जो होशिना रहता है वो समझ जाता है कि अगर इस काइजो का एक भी पंच उसे लगा तो वो वहीं पर नॉकआउट हो जाएगा। जिसके बाद जो होशिना रहता है वो उससे बसते उसके ऊपर वार कर रहा होता है और बाकी टीम भी उसके ऊपर हमला कर रही होती है, पर इस चीज को उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि जो उसकी स्किन होती है वो काइजो नंबर 8 से भी ज्यादा टफ होती है। और जिसके बाद हम बाकी टीम्स को देखते हैं जो कि वहां पर बाकी ड्रैगन टाइप के काइजो उसके ऊपर हमला कर रही होती है, पर उनका भी उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। जहां पर फिर जो काफका रहता है वो आकर उनसे कहता है कि उन्हें उनकी गर्दन पर हमला करना होगा क्योंकि जो उनकी आगे की स्किन है वो काफी हार्ड है तो उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उड़ने के लिए जो उनकी गर्दन की पीछे की स्किन होती है वो काफी हल्की होती है जिसकी वजह से वो उड़ पाते, तो इसलिए उन्हें उसके ऊपर हमला करना होगा। जहां पर इसी गावा काफका से कहने लगता है कि आप कहां थे, मैं तो आपको कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहा था। जहां पर काफका बताता है कि वो वाइस कैप्टन से बात कर रहा था। और उसके अगले सीन में हम हरुचि और आयो को देखते हैं जो कि एक काइजू को मारने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, जहां पर जो हरुचि रहता है उसका ध्यान भटकाता है और जो आयो रहता है वो उसके गर्दन के पीछे की तरफ आता है, पर जो दूसरा ड्रैगन टाइप का काइजू होता है वो उसे आकर कवर कर लेता है। जहां पर वो समझ जाते हैं कि ये मिलकर काम कर रहे हैं और उनके वीक पॉइंट पर हमला नहीं कर सकते और काफका को भी ये बात पता चल जाती है और उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे। पर इतने में हम शिनोमिया को देखते हैं जो कि अपने वेपन के साथ वहां पर एंट्री लेते हैं और साथ ही उससे कहते हैं कि अगर वो उसके गर्दन पर हमला नहीं कर सकते तो वो आगे उसकी डिफेंस को ही तोड़ देगी और वो वाकई में अपने वेपन की हेल्प से उस काइजो को वहां पर मार देती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मीना और होशिना ने वहां पर शिनोमिया को कंसिडर करते हैं अपनी मेन फोर्स में और वो भी इस फोर्स की अब तीसरी सबसे खतरनाक मेंबर है इस वेपन के साथ और इसी वेपन का यूज वहां पर शिनोमिया कर रही होती है। जिसके बाद हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहां पर शिनोमिया कह रही होती है कि इस वेपन का स्टाइल उससे मैच नहीं कर रहा, पर फिर भी वहां पर जो शिनोमिया होती है वो उस वेपन की हेल्प से अच्छे से काइजूस को मार रही होती है और वो लगभग दो काइजूस को वहां पर मार चुकी होती है। जिसके बाद हम एक काइजू को देखते हैं जो कि चिगावा की तरफ आ रहा होता है और चिगावा उसे अपने फेस राउंड से काफी इंजर्ड कर देता है। उसे देखकर वहां पर शिनोमिया इंप्रेस होती है कि चिगावा इस काइजू से इतनी आसानी से यहां पर लड़ पा रहा है, पर वहां पर शिनोमिया उसे एंड में आकर पूरी तरीके से मारती है। और दूसरी तरफ हारुचि और आयो को देखते हैं जो कि
कह रहे होते हैं कि वो सारा क्रेडिट शिनोमिया को नहीं लेने दे सकते, जहाँ पर वो कहते हैं जब शिनोमिया उन काइजूस को मारेगी तो उनका ध्यान भटकेगा, जिसकी वजह से वो बाकी काइजूस के ऊपर उनके गर्दन पर हमला कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। और दूसरी तरफ हम होशिना को देखते हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से उस काइजूस से लड़ रहा होता है, पर वो काफी पावरफुल होता है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो होशिना रहता है वो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आता है। पर जो वो काइजो होता है वो वहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड का गेट तोड़ कर ही वहाँ पर अंदर आ जाता है। फिर वो काइजो होशिना से कहने लगता है कि वो काफी सारे काइजूस से लड़ चुका है पर किसी में तुम्हारे जैसी बात नहीं है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जिसके बाद फिर जो वो काइजो रहता है वो वहाँ पर होशिना को एक पंच में उड़ा देता है, पर जो होशिना रहता है वो उसका एक हाथ भी काट देता है। वहाँ पर जो होशिना रहता है वो कहने लगता है कि अब हम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ ही चुके हैं तो अब मैं फॉर्मेलिटीज की तरह नहीं लड़ूंगा। जिसके बाद फिर होशिना की एनलिस्ट पावर 92% हो जाती है और वहाँ पर होशिना सीरियस हो जाता है। और उसके अगले सीन में हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम मिनास है, जिसके ऊपर एक काइजो होता है जो कि उसे मारने वाला होता है वहाँ पर, और वहाँ पर काबू की तरफ आ रहा होता है, पर उसे पता होता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और मिनासे को वहां पर बचा लेता है। और वहां पर मिनासे उससे कहती है कि तुम फाइनली अपने सूट की पावर को यूज करना सीख गए, जहां पर काफ़ कहता है कि हाँ मैं फुल ऑफिसर बन चुका हूं। जिसके बाद वहां पर शिनोमिया आकर उस काइजो को पूरी तरीके से मार देती है और इसी गवा भी फिर वहां पर आ जाता है, क्योंकि वो दोबारा नहीं चाहता था कि जो काफ़ है वो काइजो में ट्रांसफॉर्म हो। जिसके बाद फिर शिनोमिया और इसी गवा कहते हैं कि वो यहां पर इनका ध्यान भटकाएंगे और वो जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन्हें यहाँ से दूर ले जाएं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर और भी ऑफ ड्यूटी ऑफिसर आ जाते हैं और साथ ही सीनियर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर काफ़गा वहाँ पर खुश हो जाता है और फिर वो समझ जाते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी। जहाँ पर दूसरी तरफ हम होशिना को देखते हैं जो कि उस काइजो से कह रहा होता है कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया, तुम नहीं बचोगे। और वहाँ पर जो होशिना रहता है वो उस काइजो की बॉडी में जो कुछ गैप होते हैं उन्हें समझ कर उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, और इसे देख कर वहाँ पर जो वो काइजो रहता है वो समझ जाता है कि मैं समझ गया हूँ तुम कहाँ अटैक कर रहे हो। लेकिन ये सिर्फ होशिना का एक बहाना होता है, जो होशिना रहता है वो उसके वहाँ पर चीथड़े उड़ा देता है, पर वो खुद को वहाँ पर दोबारा रीजनरेट कर लेता है वो काइजो। पर वहाँ पर जो फिर वो काइजो रहता है उसे वहाँ पर फाइट करने में मजा आ रहा होता है और वो यही कह रहा होता है कि हम दुश्मन है दुश्मन। और वहाँ पर जो होशिना रहता है वो फिर भी उसके वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है अपनी स्किल्स के चलते, और उसका कोर भी एक्सपोज कर देता है। और फिर वो फाइनली उसके कोर की तरफ बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए, पर तभी उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है अपने आप ही। तभी हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि कहने लगते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज हो रहा है, और वहाँ पर फिर जो काफ़गा रहता है उसे भी वहाँ पर कुछ सेंस होने लगता है। और जहाँ पर फिर हम उस काइजो को देखते हैं जो कि किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और वहाँ पर होशिना कहता है कि मैं उसकी कोर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। और जिसके बाद फिर वो काइजो अपने अंदर से अल्ट्रा हाई स्टीम निकालने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की होती है, और वहाँ पर होशिना यही सोचता होता है कि अच्छा उसे वो ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आया। और साथ ही वहाँ पर जो मेन ऑफिसर होता है वो बताने लगते हैं कि इसका फॉल्टीट्यूड लेवल भी अब 9.0 हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो काइजो होता है एक जायंट काइजो में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, और वो वहाँ पर काफी पावरफुल हो चुका होता है। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूं आपको नई वीडियो में नई एनीमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।